हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो फ्लेवर की मीठी लस्सी की रेसिपी। एक मैं बनाऊंगी रोज़ गुलकंद लस्सी और दूसरी चॉकलेट लस्सी। ये दोनों ही लस्सी दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही हैं, पीने में ये उतनी ही टेस्टी और हेल्दी भी हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बाजार जैसी ठंडी ठंडी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी इन दो तरह की लस्सी को बनाना। तो पहले मैं बनाऊंगी रोज़ गुलकंद लस्सी। तो एक बड़े मिक्सिंग बोल में मैं डाल दूंगी ये एक कप घर का फ्रेश और ताज़ा दही। तो दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो दही को मैं यहाँ पर विस्कर की हेल्प से अच्छे से फेंट लूँगी। आप चाहो तो इसे किसी मथनी से भी फेंट सकते हो, लेकिन आप इसे ग्राइंडर जार में ग्राइंड ना करें, क्योंकि उससे जो दही होती है वो काफ़ी पतली हो जाती है और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आ पाता। तो एक मिनट तक कंटिन्यूसली चलाते हुए मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक चम्मच बूरा। आप इसकी जगह पाउडर शुगर का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मैं ऐड करूंगी ये एक चम्मच गुलकंद। गुलकंद से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, साथ ही ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो एक बड़ा चम्मच मैं इसमें ऐड करूंगी ये रोज़ सिरप। तो किसी भी ब्रांड का रोज़ सिरप आप यहाँ पर ले सकते हो। इसमें मैं ऐड करूंगी पहले से उबला हुआ और चिल्ड हाफ कप दूध। तो अच्छे से यहाँ पर इसे फिर विस्कर से विस्क कर लेंगे। दूध की जगह आप यहाँ पर पानी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दूध से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो कंटिन्यूसली चलाते हुए एक मिनट तक मैंने इसे और फेंट लिया है। तो लस्सी सर्व करने से पहले इस गिलास को मैं रोज़ सिरप से डेकोरेट कर रही हूँ, ताकि हमारी ये लस्सी दिखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगे। तो इसे मैंने यहाँ पर डेकोरेट कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले डालूंगी कुछ आइस क्यूब। अब मैं यहाँ पर इसमें पोर करूंगी बनाई हुई ये लस्सी। तो यहाँ पर मैं इसे गार्निश कर रही हूँ रोज पेटल और रोज सिरप से। तो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पर पहले टाइप की ये रोज गुलकंद लस्सी बनकर तैयार हो चुकी है। तो शुरू करते हैं दूसरे टाइप की इस चॉकलेट लस्सी को बनाना। तो बड़े मिक्सिंग बोल में मैं डाल दूंगी ये एक कप फ्रेश दही। इसे भी मैं यहाँ पर इस विस्कर की हेल्प से अच्छे से फेंट लूंगी, ताकि ये स्मूथ हो जाए। तो कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे भी मैं यहाँ पर एक मिनट तक फेंट लूंगी। तो अब मैं यहाँ पर इसमें मिठास के लिए ऐड कर रही हूँ एक बड़ा चम्मच या एक टेबल स्पून बूरा। साथ ही इसमें ऐड करूंगी एक टेबल स्पून कोको पाउडर और एक टेबल स्पून चॉकलेट सिरप। साथ ही इसमें ऐड करूंगी ये हाफ कप बॉइल्ड और चिल्ड दूध। तो दूध डालने के बाद यहाँ पर इन सभी को हमें अच्छे से फेंटना है। तो एक से डेढ़ मिनट तक मैं इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए फेंट लूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे डेढ़ मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है और दूसरे टाइप की हमारी ये चॉकलेट लस्सी सर्व करने के लिए तैयार है। सर्व करने से पहले इस गिलास में मैं चॉकलेट सिरप को इस तरीके से स्प्रेड कर लूंगी, ताकि हमारी ये लस्सी भी दिखने में काफ़ी टेम्पटिंग लगे। तो इसे मैंने यहाँ पर अच्छे से फैला लिया है। इसमें ऐड करेंगे कुछ आइस क्यूब और फिर इसमें पोर करेंगे ये चॉकलेट लस्सी। तो ऊपर से मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ चॉकलेट सिरप से। तो यहाँ पर दोनों फ्लेवर की ये रोज़ गुलकंद लस्सी और चॉकलेट लस्सी बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप भी इन गर्मियों के इस सीज़न में दोनों फ्लेवर की इन लस्सी की रेसिपी को अपनी फैमिली के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।